लास्ट टॉपिक इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिटेल। इसको हम रादर देन डिसएडवांटेज ना बोल करके कुछ लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्यों हैं? देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है कहाँ पर? बेसिकली वेबसाइट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कल मैंने आपको बताया था कि डेटा सेंटर अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करने की जरूरत है, और अदरवाइज अगर आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं तो भी आपको काफी सारे मतलब कंसर्न्स हैं जो कि आपको डील करने पड़ेंगे, जैसे कंट्रोल किसके पास रहेगा, सिक्योरिटी का क्या इश्यू रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। तो दीज आर नॉट डिसएडवांटेज, बेसिकली दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन रिटेल, ओके। तो फर्स्ट इज द वेबसाइट कॉस्ट। अब वेबसाइट कॉस्ट क्या होती है? देखिए, अभी आजकल तो ड्रॉप एंड डाउन और कह सकते हैं डोमेन वगैरह भी कंपनीज आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने लगी हैं, ठीक है। तो वो भी अब देखिए तो डे बाय डे कह सकते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिकल होता जा रहा है वेबसाइट बनाना, वेबसाइट मेंटेन करना, वेबसाइट रन करना, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, ठीक है। अब आजकल जो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, इवन गूगल भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट को मेंटेन करने में, वेबसाइट को रन करने में, ठीक है। तो वेबसाइट कॉस्ट आर गोइंग डाउन इन डे बाय डे, ओके। सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल। एंड नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस है, ठीक है, या सर्विस है, तो वो सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको कह सकते हैं क्रिएट करना पड़ेगा, या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में आता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स आर द कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में ये सब आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी, आपका जो कह सकते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग जो कॉस्ट लगेगी। और बाकी जो कह सकते हैं ना कि अभी जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप स्टेब्लिश होते जाते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बजाय सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या है कि मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इमेज जुड़ी हुई है। अब अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो आप देखिए तो इनके एक्सक्लूसिव वेयर हाउसेस हैं जो वो मैनेज करते हैं ना। सप्लायर से प्रोडक्ट मंगाया, मंगाने के बाद उसमें बारकोड वगैरह करके, क्वालिटी टेस्ट करके, और फिर फर्दर वो जो है प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिससे कस्टमर को करेक्ट प्रोडक्ट मिले। तो दैट इज द दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी एंड फ्रॉड, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब आप देखिए इसमें जो हैकर्स क्रैकर्स हैं जो इंडिविजुअली काम करते हैं वो भी हैं, और इसके अलावा आपके कंप्यूटर भी हैं जो कि आपको डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे? जनरली सिक्योरिटी में थ्रेट्स या लूपहोल्स निकाल करके और उसके थ्रू, ठीक है, या जो हैकर क्रैकर है उनका काम ही यही है कि वो सिक्योरिटी ब्रीच करना और उसमें से जो कह सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करना, या जो पेमेंट डिटेल, आजकल अभी बैंक अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं जो कि बढ़ गए हैं, ठीक है। काफ़ी नोटिस मतलब अभी आसपास आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, और जनरली एडवाइजरी भी आ रही है SBI की तरफ से, अदर बैंक्स की तरफ से, कि आपसे कोई भी मेल, पासवर्ड या कुछ भी मांगा जाता है तो आप ना दें, है ना, किसी भी तरीके से, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म ड्राफ्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। फेसबुक अकाउंट हैक करके उसके थ्रू कर रहे हैं, आधार आईडी हैक करके उसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी एंड फ्रॉड। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न वाइल डीलिंग विद दिस ऑनलाइन रिटेल। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल, ओके। नेक्स्ट इज द लीगल इश्यूज। अब देखिए लीगल इश्यूज क्या है कि अब जैसे जैसे लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उस तरीके से लीगल जो इश्यूज हैं वो कम होने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन इसके लिए रन फोर्सिंग फोर्स इतने ज्यादा हैं कि अल्टीमेटली अब आप देखिए तो लीगल इश्यूज जो पहले हुआ करते थे, किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट करना है, ठीक है, तो वहां पर जैसे ऑनलाइन है या कुछ और सा, अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे वो है ना आपका नॉर्थ कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया जो है, ठीक है, या चाइना था, तो ये सब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट आर कम्स अंडर द लीगल इश्यूज, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल। तो कुछ कंट्री है, सीरिया है, या इस तरीके की कंट्री है जहाँ पर अभी भी आपको अगर काम काम करना है, आप अगर ऑनलाइन रिटेल चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देखिए ना, जो आप ऑनलाइन रिटेल में देखते हैं कि कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो
ई कॉमर्स पोर्टल ने रेड मार्क किए होते हैं कि वहां पर कैश ऑन डिलीवरी देते ही नहीं है, ठीक है। इवन जो उनके वेंडर भी विजिट करने जाएंगे वो मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही विजिट करने जाएंगे, उसी टाइम पर ही डिलीवरी देंगे, ठीक है। तो ये सब भी आप देखिए तो क्या है, लीगल इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये सब कंसिडर किए जाने चाहिए जब आप ऑनलाइन रिटेल करते हैं तो, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ई ऑनलाइन रिटेल। नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अब देखिए इसमें एडवर्टाइजिंग एंटायरली डिफरेंट है। अभी कल मैंने आपको गूगल एड ब्लॉक के बारे में बताया था, ठीक है। तो एड ब्लॉक में मान लीजिए आपका एड बहुत ज्यादा कैची नहीं है और कस्टमर उसे डिसलाइक कर रहा है, उसका रीजन कोट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने एड को रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेल्स एंड प्रमोशन कॉस्ट, तो ये सब आप देखिए तो ये हमारे लिए एक तरीके से लिमिटेशन है ऑनलाइन रिटेल का, कि कौन सा मैकेनिज्म हम जो है ड्राफ्ट करें, किस तरीके से हम ऐड करें। आजकल वो क्रेड का ऐड आ रहा है ना, तो देखिए मतलब उसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सेलिब्रिटी से आप ऑडिशन लेकर के और उस तरीके से अल्टीमेटली कहते हैं कि नहीं डाउनलोड द क्रेड, तो व्हाट इज दैट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, है ना। तो एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड प्रमोशन में कुछ कॉस्ट इनकर होती है, तो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल। एंड लास्ट वन इज द कस्टमर ट्रस्ट। ये बिल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, ठीक है। जितने अच्छे फीचर आप प्रोवाइड करेंगे उतना कंज्यूमर का ट्रस्ट आपके आपके ऊपर बढ़ेगा, है ना। ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कह सकते हैं फीचर्स, इसका आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, जिससे कि आप कस्टमर के ट्रस्ट पर कह सकते हैं खरे उतरे, है ना, या कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। तो दिस इज दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन रिटेल दीज डेज, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल रिटेल है उसमें चैलेंजेस मुझे लगता है ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस ऑनलाइन रिटेल, ठीक है। क्योंकि उसमें आप देखिए तो फिजिकल आउटलेट पर और उतना कवरेज नहीं है, उतना कह सकते हैं कि 24/7 आप उसे ऑपरेट करने में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है उसमें, ठीक है। मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि कनॉट प्लेस और जो मॉल है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं अच्छे अच्छे स्टोर्स ने वहां से बैकआउट कर लिया है, ठीक है, जो भी रेंट पर थे, ठीक है। तो क्यों कर लिया है, हाईली हाई सेटअप कॉस्ट थी उस कंपेरिजन में। आप देखिए तो कस्टमर आ ही नहीं रहा है मार्केट में, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडमिक। तो आप देखिए तो जो लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल है मुझे लगता है कि वो लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल से कहीं ज्यादा है, इस वजह से ही लोग ऑनलाइन रिटेल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज ई रिटेलिंग। एंड फॉर फर्दर रीडिंग यू मे रेफर दिस बुक, दैट इज योर टेक्स्ट बुक, एंड दिस इज वन ब्लॉग दैट यू मे रेफर, एंड फर्दर यू मे पुट ई रिटेलिंग ऑन गूगल, एंड यू मे गो थ्रू सम पीपीटीज और सम वेब रिसोर्सेज, और यू मे एक्सेस इट सम पेपर्स ऑन गूगल स्कॉलर, ठीक है, साइंस डायरेक्ट, एल्जेवियर, एमराल्ड, ठीक है। तो इन सब में आप जाकर के कुछ पेपर्स निकाल सकते हैं इसके बारे में, जिससे कि आपको करेंट ट्रेंड, जैसा मैंने बताया ना कि फ्यूचर ऑफ ई रिटेलिंग, तो देखिए जैसे एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन रिटेलिंग सेक्टर, है ना, ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जावा 3D इन ई रिटेलिंग सेक्टर, ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेलिंग सेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ दैट IoT इन रिटेलिंग सेक्टर। तो ये सब आप जो है सर्च करके आप पेपर्स देख सकते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। तो इज देयर एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क।